तो कैसे हैं भाई? भाई काफ़ी दिनों से जो है जोमेटो में काम पर नहीं गया हूँ, और आज है संडे समथिंग, आज 23 तारीख, तो आज जाने का सोच रहा था काम पर। और बात करें भाई जोमेटो की, तो जोमेटो की भाई ऐसा मतलब 8:45 में जो है शुरू होते हैं सुबह, और 1 मिनट के अंदर सारे गिग फुल हो जाते हैं। तो मैं सुबह बुक करने की सोच रहा था कि भाई फुल टाइम के गिग भी अपन जो है बुक कर लें। तो क्या है कि ज़्यादा समय जोमेटो में काम करते हैं तभी अच्छी खासी अर्निंग होती है, कम समय करते हैं तो कोई अर्निंग उसमें मतलब होती नहीं है। तो पार्ट टाइम के लिए जोमेटो फूड डिलीवरी कहने का मतलब भाई नहीं है, कोई मतलब नहीं पार्ट टाइम में जोमेटो डिलीवरी। तो गिग हो गया भाई फुल, और उसके लिए मेरी भाई यही सलाह है कि जब भी आप गिग बुक करने जाओ 8:45 पर अपना मोबाइल का जो है जोमेटो मोबाइल में जोमेटो फूड डिलीवरी जो ऐप है उसको ओपन कर लो। ओपन करके भाई बैठ जाओ, जैसे गिग ओपन होते हैं तुरंत के तुरंत उनको जिनको आप जिन गिग में आप काम कर सकते हो उन गिग को आप बुक कर लो, वरना गिग भाई हो जाते हैं फुल। और मेडल के बेस पर ये गिग कल से जो है हमारी लोकेशन में अपडेट होने वाले हैं। जिनका डायमंड मेडल रहेगा वो 4 दिन पहले से गिग बुक कर पाएंगे, जिनका सिल्वर मेडल रहेगा वो 3 दिन पहले से गिग बुक कर पाएंगे, और जो ब्रॉन्ज वाले रहेंगे वो 2 दिन पहले से, और जो सिर्फ ब्लू वाले रहेंगे वो 1 दिन पहले से जो गिग बुक हैं उनको कर पाएंगे। तो चलो भाई अभी स्टार स्लॉट गिग का बचा हुआ है, स्टार स्लॉट अपन मतलब एक काम करके देखते हैं आज का अपना गिग सिस्टम में, जोमेटो गिग सिस्टम में पहला दिन है। तो ये 3 घंटे का स्लॉट है, 3 घंटे का स्लॉट है, 3 घंटे के स्लॉट में काम करके देखते हैं कितनी क्या अर्निंग होती है। और जो स्टार स्लॉट होता है अभी वो क्या है कि काफ़ी समय तक ओपन रहता है, और मे बी सेम डे भी आपको ये स्टार स्लॉट मिल जाता है। स्टार स्लॉट मतलब जिस समय जोमेटो कंपनी को काफ़ी ऑर्डरों की ज़रूरत होती है वो वाला स्लॉट। तो स्टार स्लॉट अधिकतर अभी तो मतलब हमारे सिटी में नाइट में आ रहा है, दिन के समय भी आ जाता है कई कई बार, जब दोपहर के समय ज़्यादा ऑर्डर हो, कोई त्यौहार व्यौहार का दिन होता हो काफ़ी लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो उस समय भी स्टार स्लॉट दिन के समय भी आ जाता है। और दिन के समय मतलब 12 से 3 के बीच में ये स्टार स्लॉट आपको देखने को मिल सकता है, और रात के समय तो भाई वही 7 बजे के बाद, ये 7 बजे के बाद काफ़ी ऑर्डर आते हैं तो 7 बजे के बाद आपको रात में स्टार स्लॉट देखने को मिलेगा। तो चलो भाई अपन आज का एक स्टार स्लॉट मतलब एक बुक कर लेते हैं और 3 घंटे काम करते हैं, कितनी अर्निंग होती है 3 घंटे में वो बताता हूँ। और मेरी सलाह यही है भाई, अगर आपको गिग कम बुक करने को मिलते हैं तो आप जो स्टार स्लॉट रहता है उसको बुक करो, उससे आपका मेडल अगर डाउन है तो ऊपर चला जाएगा। और मैं अभी काम शुरू कर रहा हूँ, तो अगर मेरा मेडल भी जैसे कल से सबके मेडल दिखने शुरू होंगे, अगर मेरा मेडल भी डाउन आएगा क्योंकि मैंने काम नहीं किया भाई, थोड़ा सा दिक्कत थी, प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, तो मेरा मेडल भी अगर डाउन होगा तो अपन स्टार स्लॉट में ज़्यादा काम करेंगे, स्टार स्लॉट को ज़्यादा बुक करेंगे तो अपना मेडल जो है आपको जाएगा। तो चलो भाई पहले तो अपन आज का एक स्लॉट बुक करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, काम करके बताते हैं कैसा क्या रहता है जोमेटो गिग वाला सिस्टम, और जो भी कुछ और जानकारी रहेगी वो मैं आपको शाम के समय का ये गिग है तो उसको बुक करते हैं, और जो भी कुछ जानकारी रहेगी वो मैं आपको फील्ड बताता हूँ। तो चलो अभी जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप में चल के जल्दी से अपन एक स्टार स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:48, अभी जोमेटो फूड डिलीवरी ओपन कर लेते हैं। जोमेटो फूड डिलीवरी ओपन कर लिया भाई मैंने, अभी देखो 1 दिन पहले वाला वही चल रहा है कि 1 दिन पहले के बुक कर सकते हैं। कल से ये 25 जनवरी जो लॉक है ना भाई, इसमें देखो मेडल के बेस पर आपको गिग बुक करने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गिग्स 4 जनवरी 25 आर ओपन ओनली फॉर डिलीवरी पार्टनर हु हैव एक्सेस टू एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग मतलब वही मेडल के बेस पर भाई। तो ये 24 तारीख का आज सुबह मैं गिग बुक करने जा रहा था, लेकिन सारे बुक, ये देखो भाई विद इन 1 मिनट के अंदर भाई सारे ये जो फुल टाइम वाले गिग के स्लॉट थे वो बुक हो गए थे। अभी स्टार स्लॉट यानी रात का बचा हुआ है, ये भी रात का है, ये भी दोनों भी लेट नाइट हैं, ये वाला शाम का 7 बजे से 10 बजे स्टार स्लॉट। तो चलो आज का देखते हैं, 23 तारीख का भी देखो अभी स्टार स्लॉट ओपन है, मतलब इसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा राइडरों की ज़रूरत है ये देखो। और एक ज़रूरी बात भाई जो मैं आपको बताना भूल गया स्क्रीन पर, वो ज़रूरी बात ये है कि काफ़ी बंदों के मन में सवाल होगा कि भाई ये गिग जो है इतने जल्दी फुल हो जाते हैं, ये गिग वाला सिस्टम ख़राब है। तो देखो भाई मैंने आपको पहले भी मेरा जो गिग वाला वीडियो था उसमें बता दिया कि गिग बनाया गया है उन राइडरों के लिए जो जोमेटो में फुल अपना फुल टाइम काम करते हैं, मतलब पूरा पूरा समय अपने को जोमेटो को देते हैं, मतलब एक एक दिन करके जो हफ्ते में एक एक दिन काम करते हैं उनके लिए ये गिग जो है नहीं बनाया। ये गिग उन लोगों के लिए बना है जो लोग जोमेटो में पूरा पूरा समय ऑनलाइन रहते हैं, पूरा पूरा समय काम करते हैं। अब होता क्या है कि भाई कि जो लोग पूरा पूरा समय काम करते हैं उनका काम जो एक एक दिन जो कभी कभी लोग आ जाते हैं उनका उनके ऑर्डर वो लोग ख़राब कर देते हैं, मतलब उनका जो अर्निंग होती है वो कम हो जाती है उनकी वजह से। तो कंपनी ने गिग डाला कि भाई
जो लोग फुल टाइम काम करते हैं उनका मेडल अच्छा रहेगा, वो लोग पहले से गिग बुक कर पाएंगे, और जो लोग पहले से गिग बुक कर लेते हैं इसलिए उनके इसलिए ये जो गिग हैं ये फुल हो जाते हैं भाई। यानी कि कंपनी को जिस समय भाई, मान लो सुबह का समय ये गिग देख लो आप, जैसे मान लो भाई ये गिग फुल गिग हैं, इसमें आप पहला गिग देख लो 8 AM से 11 AM, ये वाला 3 घंटे का जो गिग है इसमें सुबह के समय भाई कम ऑर्डर रहते होंगे और कंपनी को 5-6 राइडर की ज़रूरत रहती होगी। तो जैसे ही ये 5-6 राइडर इसको बुक करते होंगे भाई ये फुल हो जाता है। उसके बाद 11 से 12 बजे का देख लो आप, ये भी 1 घंटे का गिग है, इसमें भी कंपनी को 10-12 राइडर की ज़रूरत रहती होगी क्योंकि इतने ऑर्डर रहते होंगे भाई, समथिंग 20-21 ऑर्डर रहते होंगे इस समय। तो 10 जैसे 10 राइडर बुक करते हैं ये भी फुल हो जाता है। उसके बाद बात करें भाई 12 से 1 की, तो इस समय भी कम ऑर्डर रहते होंगे तो कम राइडर की ज़रूरत रहती हो कंपनी को, तो ये भी फुल हो जाता है। उसके बाद 1 से 3 का, इसमें भी कम राइडर की ज़रूरत रहती होगी, ऑर्डर कम रहते होंगे दिन के समय, ये भी फुल हो जाता है भाई। और बाकी ये 3 से 6, तो इस समय तो ऑर्डर काफ़ी कम रहते हैं, मतलब पीक समय जो रहता है भाई वो रहता है 12 से 3 का। इस समय मतलब स्टार स्लॉट आने का चांस रहता है, यानी काफ़ी राइडर की ज़रूरत कंपनी को पड़ सकती है उसको, तो वो जो है स्टार स्लॉट डाल देती है कंपनी। बाकी 3 से 6 में तो भाई स्टार स्लॉट कभी आएगा ही नहीं, 6 से 7 का जो 1 घंटा है उसमें भी कभी नहीं आना भाई। तो ये जो फुल गिग्स, ये जो गिग्स हैं ये फुल इसीलिए हो गया भाई क्योंकि जो लोग फुल टाइम जो मैडम काम करते हैं वो दिन के, उनको दिन के गिग्स मिल जाते हैं, उनको जो है रात में फिर ज़्यादातर काम नहीं करना पड़ता। तो रात के समय जो गिग बचते हैं भाई वो उन लोगों के लिए रहते हैं जो कभी कभी जो है जोमेटो में आते हैं, यानी जो पार्ट टाइम जोमेटो में काम करना चाहते हैं फुल टाइम की आईडी लेके, उन लोगों के लिए। बाकी फुल टाइम के लिए, बाकी फुल टाइम वाले लोगों के लिए कंपनी ने ये उनके लिए बुक कर दिया है, मतलब एक प्लस फीचर डाल दिया कि भाई हाँ आप जो है दिन के गिग बुक कर लो, और आप रोज़ रोज़ काम करते हो तो आप जो है भले ही रात में काम मत करो क्योंकि रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई काम करने में, अगर बंदा सोएगा नहीं तो भाई सही से काम कैसे करेगा, वो वाली बात है। इसलिए कंपनी जो दिन के गिग हैं वो प्रीमियम पार्टनर को दे देती है, और इसलिए दिन के जो गिग हैं फुल हो जाते हैं, बाकी बचते हैं रात को। तो जो भाई अगर अच्छा काम करना चाहें उनको भी दिन के गिग चाहिए, तो वो जो है भाई स्टार स्लॉट में काम करके अपना मेडल ऊपर करें, मेडल ऊपर करके वो उनको भी जो है दिन के गिग मिल जाएंगे। अगर जो भाई कम काम करेंगे तो उनको दिन के गिग नहीं मिलेंगे, और दिन के गिग नहीं मिलेंगे तो फिर उनको रात में काम करना पड़ेगा भाई। सिंपल सा गिग का फंडा है, कोई भाई ये ना सोचे कि भाई ये गिग फुल क्यों हो जाते हैं, हमें गिग मिल ही नहीं पाते तो इसीलिए नहीं मिल पाते भाई गिग, क्योंकि बाकी जो फुल टाइम वाले लोग हैं उनकी अर्निंग पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये गिग फुल हो जाते हैं, उनको जो है पहले काम करने का मौका दिया जाता है। आपको भी अगर चाहिए तो आप जो है अपना मेडल अच्छा कर सकते हैं ये स्टार गिग वगैरह को बुक करके, और लेट नाइट में अगर काम करना चाहें। अभी तो अगर हमारी सिटी में लॉकडाउन है तो लेट नाइट में बुक नहीं करूँगा क्योंकि 10 बजे के बाद से लॉकडाउन शुरू हो जाता है, तो लेट नाइट बुक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो अपन ये वाला करेंगे 7 PM से 10 PM, इसमें भी 285 से 360 दिखा रहा है 3 घंटे में, अच्छा है भाई 3 घंटे में। अगर 300 रुपये भी मिल जाए तो कौन से बुरे, अगर अपना 100 रुपये का पेट्रोल लगेगा तो 200 तो बचेंगे, और ज़्यादा लालच के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं, और ज़्यादा लालच के चक्कर में पढ़ना है तो फिर मैं अपना मेडल अच्छा रखो भाई, और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप। तो चलो ये वाला मैं आज बुक कर रहा हूँ, तो 7 PM से 10 PM मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बुक लिखा है, इस पर कन्फर्म कर, उसको कन्फर्म करते हैं। अगर गिग गलती से मैं इसको कैंसिल करता हूँ भाई 10 रुपये में उसको गिग कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा, तो आप भी अगर कोई भी गिग बुक करते हो तो गलती से कैंसिल ना करें। तो चलो इसको मैं फ़िलहाल बुक कर लेता हूँ, तो एक गिग जो है अपना बुक हो गया भाई, और अपन जो है गो ऑनलाइन एट 7 PM लिखा हुआ है ऑन 23 जनवरी फॉर योर गिग, स्टार स्लॉट जो है अपना एक बुक हो गया है। अभी अपनी भाई शुरुआत है तो गिग में मैं अभी एक ही स्लॉट में काम बुक करके मैं जो कर रहा हूँ, कहीं अपन जो है फुल टाइम भी काम करेंगे जोमेटो में तो फुल टाइम करेंगे, उस दिन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो भाई एक गिग बुक हो गया है, और फिर चलते हैं शाम को जोमेटो में काम पर। बाकी गिग के बारे में भाई मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं कि भाई गिग में काम करना है और मैं अपना मेडल अच्छा रखना है तो आप कैसे जो है मेडल अच्छा रख सकते हो, और सिंपल सा मेरा भाई उसके, और सरल भाषा में मैं कहूँ भाई आपको जोमेटो में काम करते समय गिग वाले सिस्टम में कोई भी गिग जो आपने बुक किया उसको कैंसिल ना करें, कोई भी ऑर्डर आपको ना डिनाइल करना ना कैंसिल करना है, और जो भी गिग का समय है मान लो 3 घंटे का गिग है तो पूरे 3 घंटे आपको लॉगिन रहना है, 10-15 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो कंपनी 3 घंटे गिग में देती है, 1 घंटे वाले में आप पूरा 1 घंटे लॉगिन रहना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को भाई फॉलो नहीं करते हो तो आपके
मेडल पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और अगर आपका डायमंड मेडल है तो सीधा ऐसे अगर काफ़ी बार करोगे तो ब्रॉन्ज मेडल आ जाएगा। यानी 4 दिन पहले गिग बुक कर सकते थे आप, फिर आप 1 दिन पहले गिग बुक कर पाओगे, और 1 दिन पहले मतलब जो बचे खुचे गिग होंगे, जो ख़राब गिग होंगे, फिर आपको वही गिग मिलेंगे बुक करने को। अगर अच्छे गिग बुक करना है तो आपको डायमंड वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा। और किसी भाई के मन में सवाल होगा कि भाई अपना जो गिग का समय है उसी समय अपन ऑनलाइन जा सकते हैं या बाकी समय भी अपन ऑनलाइन जा सकते हैं, तो चलो भाई अपन ने शाम का गिग अभी बुक किया है, अभी मैं आपको ऑनलाइन चल के दिखाता हूँ ऑनलाइन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो भाई देखो अभी 10 बज गए हैं और मैंने ओपन किया जोमेटो को डिलीवरी ऐप को, उसके बाद ऑनलाइन जाता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है यू आर आउटसाइड गिग टाइम, यानी अपना गिग का समय 7 बजे से 10 बजे, अभी आप आउटसाइड हो टाइम के, जब आपका टाइम रहेगा तभी आप ऑनलाइन जा सकते हो। तो चलो भाई जब अपना गिग शुरू होगा तभी ऑनलाइन करते हैं, अभी जो है ऑनलाइन अपन नहीं जा पाएंगे। यू कैन ओनली गो ऑनलाइन ड्यूरिंग योर बुक्ड गिग टाइम। ओके सर, ओके। तो देख लिया भाई, जब अपना गिग का समय होगा तभी अपन जो है जोमेटो में ऑनलाइन जा पाएंगे, जोमेटो में काम कर पाएंगे, गिग के समय के अलावा अपन जोमेटो में काम नहीं कर पाएंगे। तो चलो ऑनलाइन ही नहीं जा पाएंगे, तो चलो शाम को चलते हैं आप। तो भाई शाम का भी टाइम हो रहा है 6:52 और पूरे अंधेरा छा रखा है, तो मेरी शकल आपको नहीं दिख रही होगी। तो चलो अभी लॉगिन कर लेते हैं भाई और लॉगिन करके देखते हैं पहला ऑर्डर कब आता है। अभी 7:08 कम है, लॉगिन अभी हो जाना चाहिए, तो अगर नहीं होगा फिर भी 8 मिनट वेट कर लेंगे। तो भाई जोमेटो डिलीवरी हो गया ओपन और ऑनलाइन करते हैं भाई, फिक्स 7 बजे ही ऑनलाइन जा पाएंगे, अभी भी ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं। तो चलो ऑनलाइन करके फिर देखते हैं भाई पहला ऑर्डर कब आता है, कौन से रेस्टोरेंट से आता है और कितने पैसे का आता है भाई। तो चलो अब हम अपनी लोकेशन में अभी आ चुके हैं, और जब से गिग शुरू हुआ जब से भाई लोकेशन 3 हो गई है। देखो पहले ये सिंपल एक ही थी ये वाली, अभी ये भी जुड़ गई है, ये वाली MP नगर होशंगाबाद रोड भी जुड़ गई है, 3 लोकेशन हो गई भाई। तो चलो तो भाई गिग्स में टारगेट पे की कोई लाइन नहीं है, गिग्स में ये अच्छा है कि अपने को 2 रुपये या 5 रुपये बच जाते हैं, उसकी वजह से टारगेट का जो पैसा रहता है वो पैसे रुक जाता है। गिग्स में ऐसी कोई लाइन नहीं भाई, गिग्स में जितना कमाओगे उतना सारा आपका रहेगा, इसमें इंसेंटिव की कोई लाइन नहीं भाई। तो भाई 3 घंटे गिग में कंप्लीट 2 घंटे 40 मिनट मिनिमम लिखा है, मतलब इतना 2 घंटे 40 मिनट आपको रहने रहना है। तो अभी मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। ओके, मास्क चेहरे की फ़ोटो मांग रहा था भाई, चेहरे की फ़ोटो देता हूँ मैं, लाइट में चलना पड़ेगा। तो भाई चेहरा की फ़ोटो तो दे दी है, अब देखते हैं लॉगिन हो जाना चाहिए जल्दी से। वी विल मैच योर सेल्फी विद प्रोफाइल इमेज एंड रीच आउट टू यू इन किस ऑफ इमेज। अच्छा एक सेल्फी और चाहिए भैया, चलो ये भी दे देते हैं। तो भाई ऑनलाइन हो चुका हूँ और ये देखिए भाई मिनिमम 2 घंटे 40 मिनट अपने को जो है इस 3 घंटे के गिग में लेना है। लिखा है गिग इन प्रोग्रेस, आज का 1 गिग बचा है, बाकी सारे हो गए ख़त्म। कल के कितने बचे, कल के भाई 1 गिग स्टार स्लॉट का बचा है, बाकी लेट नाइट के बचे हैं। 25 तारीख का भी लॉक है। तो चलो भाई अभी कोई ऑर्डर आया नहीं। तो भाई आज का पहला ऑर्डर आया है सागर गैरेज से, 3600 रुपये का है, समथिंग 2 किलोमीटर के आसपास का दिखा रहा है। तो चलो चलते हैं। तो भाई पहला ऑर्डर मिल चुका है और अब चल रहे हैं कस्टमर के पास लेकर, चलो। तो
तो भाई ऑर्डर डिलीवर का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, ऑर्डर आने का भी ऑर्डर डिलीवर भाई सिंपल से ऐसे कर सकते हो। ये एक ऑर्डर है, इसमें 174 रुपये कैश था तो कैश कलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद नीचे स्लाइड करने का है तो बस सिंपल से स्लाइड कर दो। स्लाइड करने के बाद वो अर्निंग पहले दिखाता था, अभी थोड़ा चेंज हो गया, इस टाइप से दिखा रहा है। तो यहाँ पर 34 रुपये इस ऑर्डर की अर्निंग हुई और टोटल 3 किलोमीटर का ये ऑर्डर था। तो चलो भाई अब अगले ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं। दो ऑर्डर हो गए। तो भाई अभी समथिंग बज रहे हैं 10:45 और मैं भाई घर आ गया, खाना वाना खा के फ्री हो गया। और एक प्रॉब्लम हो गई भाई, प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि जो अपने गिग बुक किया था भाई उसमें मतलब मिनिमम गारंटी था। मिनिमम गारंटी कुछ ऐसा था कि भाई जब अपन गिग बुक कर रहे थे उस समय दिखा रहा था कि 3 घंटे का जो गिग है उसमें 195 से 240 रुपये समथिंग अपने को मिलेगा। उसकी कुछ कंडीशन थी, कंडीशन ये थी भाई कि आपको हाई ऑर्डर एरिया वाले, आपको हाई ऑर्डर एरिया में रहना है। यानी जो यानी जिस भी रेस्टोरेंट ऐप में दिखाएगा कि भाई इस वाले रेस्टोरेंट पे आओ, आपको यहाँ पर हाई ऑर्डर एरिया दिखा रहा है, तो उस रेस्टोरेंट पे अपने को जो है भाई जाना था। और अपन ने जो है भाई गलती कर दी, पहले ऑर्डर में जो है हाई ऑर्डर एरिया में ही दिखे भाई अपन, तो कम से कम पहला ऑर्डर अपने को समथिंग आधे घंटे बाद लगा। तो यही भाई थोड़ी सी गलती हो गई। तो ऑर्डर 2 ही लगे और अर्निंग कोई खास नहीं हुई, और मुझे लग रहा भाई ये जो अर्निंग है यही ना रह जाए। अब बाकी देखते हैं जो हाई ऑर्डर वाले सिस्टम था वो अगर लागू होगा तो अपने को शायद इंसेंटिव ना मिले, यानी जो मिनिमम गारंटी था वो ना मिले। तो देखते हैं भाई, शायद मंगल या बुधवार तक ये पेमेंट जो है टोटल अपडेट हो जाना चाहिए, अपडेट होती है कि नहीं वो अपन देखते हैं। इसके अलावा भाई गलती तो हो गई है क्योंकि पहला ऑर्डर लगा उसके बाद भी फिर मैं वहीं रुक गया। मैं सोचा कि भाई यहीं से ऑर्डर मिल जाएगा क्योंकि उसमें भी भाई अपने को जहां ऑर्डर डिलीवर करना था उसके बाद जहां फिर हाई ऑर्डर दिखाया ऐप में वहां जाना रहता है, तो वहां फिर भी नहीं गया मैं। उसके बाद अगला ऑर्डर आया उसमें भी हाई ऑर्डर दिखाया कि भाई यहाँ जाओ, फिर भी मैं हाई ऑर्डर एरिया में नहीं गया। तो गलती यही हो गई भाई कि अपने को हाई ऑर्डर वाले एरिया में रहना था। अब देखते हैं भाई जैसा भी जो कुछ होगा वो अपन देखते हैं भाई सोमवार मंगल तक। अगर अर्निंग अपडेट होगी तो फिर ये वीडियो मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, और नहीं तो फिर वो दोबारा तक अपने को जो है भाई वेट करना ही पड़ेगा। तो चलो भाई अभी के लिए, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अब अर्निंग अपडेट हो जाएगी तभी। तो भाई अभी जो है 27 तारीख के बज रहे हैं 11:00 और भाई मैं जो है अभी 3 दिन वेट किया मैंने अर्निंग अपडेट होने का कि भाई अर्निंग अपडेट हो जाए। क्योंकि देखो भाई जो गिग्स रहता है, ये देखो बुक गिग्स में अपन जाएंगे, जो स्लॉट मैंने बुक किया था ये 7 PM से 10 PM, इसमें एक्सपेक्टेड अर्निंग देखो भाई जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखो एस्टिमेट पे आउट दिखा रहा है 225 से 285, बट एक्चुअल में अपने उस दिन भाई कितने ऑर्डर बने थे देखो, एक्चुअल में ऑर्डर बने थे उस दिन 2 ऑर्डर हुए थे भाई 3 घंटे में, और ओनली अर्निंग हुई थी वो हुई थी ओनली 73 रुपये। तो अर्निंग कुछ खास नहीं हुई, मुझे लगा भाई ये 220 दिखा रहा है, ये ऐसे करके देखते हैं अपन एस्टिमेट पे और 225 से 285, मुझे लगा इतनी पेमेंट होगी भाई, बाद में जो अपनी नहीं हुई वो और ऐड हो जाएगी, तो वो भाई वो आज तक ऐड नहीं हुई, इसलिए ये वीडियो इतना लेट हो गया, वरना ये वीडियो जो है आपको पहले ही मिल जाता, तो उसके लिए सॉरी भाई। तो चलो भाई अब जो है आगे से आपको फुल टाइम की वीडियो मिलेगी, बाकी मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो भाई देखो अर्निंग की बात करें तो मैं ये वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उस दिन अर्निंग दिखा रहा था 195 से 240 रुपये, जो शाम का 3 घंटे गिग था उसमें। लेकिन भाई अर्निंग मुझे लगा अपडेट हो जाएगी बुधवार तक, लेकिन अर्निंग अपडेट नहीं हुई, आज गुरुवार हो गया भाई। फिर मैंने कहा ये वीडियो का क्या करूँ, डालूँ नहीं डालूँ, इनका अर्निंग वगैरह कुछ हुई नहीं, और ये अगर मैं वीडियो डालूंगा तो भाई लोगों पर गलत असर पड़ेगा कि भाई गिग में कोई अर्निंग नहीं होती। तो देखो भाई ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ आपको सिंपल नॉलेज के हिसाब से, बाकी गिग में अर्निंग होती है। एक भाई से मेरी बात हुई थी उसी दिन, वो उनकी लोकेशन दूसरी थी, यानी एमपी नगर लोकेशन थी, उस भाई ने गिग 1 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, मतलब 1 बजे से गिग बुक किया था, सुबह की गिग उसने बुक नहीं करी थी भाई ने, तो 1 बजे से गिग उस भाई ने जो है बुक किए थे रात के 11 बजे रात तक के। और उस भाई की जब मुझे समथिंग 9:30 बजे के आसपास मिला था, उस भाई की अर्निंग हुई थी 778 रुपये 1 बजे से लेके 11 बजे वो मिला था बंदा, 9 बजे मुझे, तो 1 बजे से 9 के बीच में भाई टोटल घंटे में ला लो कितने घंटे हुए, और जितने भी घंटे हुए उसमें भाई 800 रुपये के आसपास उसकी अर्निंग हो चुकी थी, अभी उसको 1 घंटे और काम करना था। तो गिग में भाई अर्निंग होती है, ऐसा मत मानो गिग में अर्निंग नहीं होती, गिग में एक दिन मैं फुल डे काम करूंगा और बताता हूँ आपको कि फुल डे कितनी अर्निंग आप जो है गिग में कर सकते हो, वो कब करूंगा उसका अपडेट भी मैं आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि भाई आज कितनी तारीख के जो है अपनी गिग हो चुके हैं फुल टाइम के, और उसके दिन फिर अपन चलेंगे भाई गिग में फुल टाइम काम करने के लिए।
क्योंकि अभी मेरा जो है डायमंड पार्टनर का वाला वो नहीं है भाई, डायमंड पार्टनर वाला मेडल नहीं है। जब मेरा डायमंड पार्टनर का मेडल हो जाएगा तब अपने को जो है 4 दिन पहले गिग बुक करने का समय मिलेगा। अभी मैं हूँ भाई सिल्वर पार्टनर, यानी अभी मेरी आईडी 1 रैंकिंग का है, 3 दिन पहले गिग बुक करने का समय मिलता है। और मेरे ख्याल से भाई जो भी भोपाल लोकेशन में जो भी डायमंड पार्टनर वाले भाई हैं वो सभी जो है 4 दिन पहले, मतलब जो गिग जैसे आज भाई 25 तारीख है तो वो 29 तारीख का भाई पहले ही बुक कर लेते हैं, यानी चौथा जो दिन रहता है उसका पहले ही बुक कर लेते हैं। उसके बाद भाई मैं आता हूँ सिल्वर में, मुझे 3 दिन पहले का मिलता है। जैसे ही मैं सुबह 8:45 पे आज देखा मैंने कि यार गिग वो कर लूँ किसी दिन का फोल्डर का, उसका वीडियो अपन बना के डाल देंगे। तो 8:45 पे आज गया भाई, जब शुरू होते हैं गिग बुकिंग तो उस समय भाई जो 30 तारीख का मैं गिग बुक कर रहा था, आज 27 तारीख है, तो भाई मैं 30 तारीख का जो है गिग फुल डे के बुक कर रहा था 3 दिन पहले अपने को रहता है सिल्वर वाले बॉक्स में, तो ऑलरेडी भाई फुल हो रखे हैं। तो मुझे लगा भाई सबसे पहले अपन अपना जो मेडल है उसको गोल्ड बनाते हैं, मतलब डायमंड पार्टनर करते हैं, उसके बाद अपन जो है भाई एक दिन फुल डे के गिग बुक करेंगे, तब अपने को जो है पता चलेगा कि गिग में अर्निंग होती या नहीं होती। तो अभी तो जो है मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं अपना जो मेडल है उसको डायमंड करने में। तो आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी मेरे चैनल में कि अपना सिल्वर मेडल से डायमंड मेडल कैसे करना है उसके बारे में, और उसके लिए ज्यादातर मैं स्टार स्लॉट बुक करूंगा, यानी 7 से 10 वाले जो शाम का समय रहता है उस समय वाले पार्ट टाइम, मान लो इसको आप 2-3 दिन अपन जो है भाई पार्ट टाइम करने वाले हैं, और उसमें भी पार्ट टाइम में कुछ खास अर्निंग नहीं होगी ये तो मुझे पता है। और इसीलिए भाई ये जो मैंने गिग बुक किया था 7 से 10 बजे 3 घंटे का, इसमें अर्निंग हुई नहीं, ओनली 64 रुपए हुए, और इसी चक्कर में अर्निंग कम हुई। इस चक्कर में मुझे लगा भाई वीडियो डालूंगा तो लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, पर मैंने डाल दी भाई इनका भाई बहुत मेहनत से बनाई, और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भाई, जो भाई बनाता है उसको मालूम है। तो चलो भाई आगे से जो है मैं फुल टाइम की वीडियो डालूंगा, वो आप देख लेना, गिग्स में आपको उससे नॉलेज मिलेगा कि भाई कितनी जो है आप गिग्स में अर्निंग कर सकते हो। इस वीडियो को आप पार्ट टाइम में नॉलेज से आपसे देख लो भाई, 3 घंटे में कुछ खास अर्निंग नहीं हुई, तो जो मैं पार्ट टाइम कोई मतलब नहीं है, करना ही नहीं है। और गिग्स का जल्दी से जल्दी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा फुल टाइम का, कि कितनी अर्निंग आप जो है गिग्स में कर सकते हो। गिग्स को खराब मत बोलना, गिग्स भी सही है भाई, गिग्स उन लोगों के लिए जो है जोमेटो में अच्छा काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं उनके लिए। तो चलो भाई एक दिन मैं जाता हूँ जोमेटो के गिग्स फुल डे गिग्स करते हैं, फुल डे की अर्निंग देखते हैं। जब तक आप मैं सिल्वर पार्टनर से डायमंड पार्टनर बनने की कोशिश करूंगा या काम करूंगा डायमंड पार्टनर बनने के लिए काम करूंगा, तो वो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ठीक लगे जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर करना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ भाई आपको अगली वीडियो में डायमंड पार्टनर वाली वीडियो में। तो चलिए भाई अभी के लिए बाय बाय।